तरीबन वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में अपलीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं चाहे वो किसी भी कोर्स में हो यानी कि एलेवन साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स इसके अलावा डिप्लोमा बी ए बस सी बी कॉम जितनी भी कोर्स है उन सभी कोर्स के फॉर्म के बारे में इस वीडियो में हम बात करें किस तरीके से फिल करना है आपको सिंपली इस तरीके से सर्च करेंगे यहाँ पे आपको गाइड टू एडमिशन का आइकन आ चुका है और इनके एप्लीकेशन फॉर्म का भी आइकन आ चुका है आपको यहाँ पे ऐसे अभी हालांकि इन्होंने अपडेट नहीं करा है लेकिन आप यहाँ पे जाएंगे तो थ्री लाइन वाला बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा इसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन वाले सेक्शन में क्लिक करना है यहाँ पे जैसे जब क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा इसके बाद आपको जनरल एडमिशन पे क्लिक करना है यहाँ पे जैसे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आइकन आएगा यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म गाइड यहाँ से आप गाइड डाउनलोड डा, करके आप चेक कर सकते हैं कि किन किन से कोर्सेज है याद रखे आपका एंट्रेंस एग्जाम का डेट भी और फॉर्म का डेट वो सब आ चुका है तो आपको इस लिंक के थ्रू फॉर्म फिल करना होगा इस पर सिंपली क्लिक करेंगे मतलब ये कि ए एम यू के किसी भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इसी लिंक के थ्रू फॉर्म अप्लाई करना होगा यहाँ पे सबसे पहले आपको ई एल आई डी या पासवर्ड मांग रहा है जो कि अभी आपको यहाँ पर ई एल आई डी पासवर्ड आने की जरूरत नहीं है आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको इस पर सिंपली क्लिक करना होगा थ्री लाइन पर जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइनअप बल्ले बटन है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन इस तरीके से हो जाएगा आप ओपन हो जाएगा याद रखे फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है और उसके बाद फिर मतलब पहले नेम आपको डालना है देन उसके बाद डेट ऑफ़ बर्थ देन आधार नंबर देन आपका मोबाइल नंबर देन ई मेल आई डी देन अगेन ई मेल आई डी डालना पड़ेगा देन अपना एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा और उसके बाद आपको आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके रजिस्टर करना पड़ेगा अभी हम जस्ट करते हैं Uh, यहाँ पे समझने वाली बात ये है जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स का नाम होगा जैसे सपोज करें किसी स्टूडेंट का आतिफ इकबाल है तो वो क्या लिखेंगे सिंपली इसमें आतिफ लिख देंगे और उसके जिस नीचे वाला सेक्शन में यानी लास्ट नेम में इकबाल लिख देंगे लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन मिडिल नेम में डालने की ऐसी जरूरत नहीं है लेकिन हाँ जिसका नाम एम आतिफ इकबाल है तो ऐसे केसेस में एम फर्स्ट नेम में होगा आतिफ मिडिल नेम में डालेंगे और इकबाल बार लास्ट में नाम है. तो ये चीज़ें क्लियर होगा मेरे ख्याल से सो so, इस तरीके से जो डिटेल फर्स्ट हमने फिल कर लिया आपको दिखाना चाहिए यहाँ पे जैसे आतिफ इकबाल सपोज नाम है मैं ये सैम स्वाम, वीडियो की तरह बना रहा हूँ मतलब ये इसमें कोई पेमेंट वगैरह नहीं होगा लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ किस तरीके से आप फिल कर पाएंगे मैंने यहाँ पे आप देख नोटिस कर सकते हैं इसके बाद मैंने डेट डेटा डेटा और सेलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है इस पे जैसे जब क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके से आपको डिटेल सेलेक्ट कर लेना है इसके बाद आप सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका ईयर होगा जैसे यहाँ पे अभी आपको सेलेक्ट करने के लिए बड़ा आसान है सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कर लीजिए इस पर क्लिक करके जैसे ये इस पे जैसे जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ इस तरीके से ईयर आ गया अब जब ईयर सब कुछ सेलेक्ट कर लिए तो इसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना होगा तो मंथ तो के आगे भी चीज़ से कर सकते हैं और इसके बाद सिंपली आप सेलेक्ट कर सकते हैं हमने ईयर मतलब डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया इसके बाद जो है यहाँ पे आधार नंबर आपसे मांगा जा रहा है तो जो आपका एक्चुअल आधार नंबर वही डालेंगे मैंने ये फॉल्स आधार नंबर डाला है इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना जो आपके मोबाइल नंबर होंगे वो डालेंगे मतलब ये मोबाइल नंबर गलती से मत डालिएगा क्योंकि ओ टी फिर हमारे पास आ जाएगा और आपके साथ दिक्कत हो जाएगा इसके अलावा आपको ई मेल आडी डालना पड़ेगा जो आपका पर्सनल ई मेल आई डी है वो डालेगा क्योंकि आपको एडमिन कार्ड डाउनलोड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जैसे ई एम एडमिशन लेने तक ये ई मेल और मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी इसके अलावा आपको पासवर्ड बनाना होगा पासवर्ड के लिए मैं आपको एक आई दे रहा हूँ जैसे आपका नाम सपोज कोई भी नाम है उस उस नाम से रिलेटेड जैसे आतिफ इकबाल सपोज करें कोई स्टूडेंट का है तो आतीफ एट कर सकते हैं या अपने हिसाब से एट जरूर लगाइएगा ताकि जो है आपका पासवर्ड स्ट्रॉग हो इसके जिस बात जब ये डालेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो आई एम नॉट रोबोट का आइकन दिख रहा है आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे इसके बाद रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर देंगे इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आइकन ओपन होगा ये रहा मैंने जो पासवर्ड डाला था वो एट कैरेक्टर से कम था इस वजह से हमारा फिर से कहा गया तो हम फिर से रजिस्टर वाले बटन पे हमने पासवर्ड अगर चेंज कर दिया है तो अगेन हम रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे अब और अब आपको नोटिस करना है देखिए यहाँ पे इस तरीके से आइकन लिख कवा गया और आप देखिए माई ट्रांजेक्शन दिख रहा है मतलब ऐसे आपको भी दिखेगा आपका फॉर्म जो होगा वो छः स्टेप में फिल होंगे अब इसको कुछ नहीं करना यहाँ पे जैसे ही जब इस तरीके आपको यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले अपने प्रोफाइल पे जाना है या होम पे जा सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे जाऊँगा प्रोफाइल पे जैसे जब क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से अभी ये ओपन हो रहा है ये ओपन हो गया इसके बाद अभी देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि आपके पास एक ई गए होंगे अभी मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास ई मेल आया है मैं वो ईमेल भी दिखाऊंगा या अगर बाई दे में आपके पास ईमेल नहीं पहुंच पाता तो आपको क्लिक है टू रिक्वेस्ट अनदर यानी अगेन रिक्वेस्ट डाल के क्लिक कर दीजिए हम अभी मेरे ख्याल से मेरे पास आ नहीं पाया है यह कहना चाह रहे हैं कि आपका जंक वाला सेक्शन में या स्पाम वाले सेक्शन में आपका आया होगा मैं पहले एक बार चेक करता हूँ हालांकि मेरे मेल पर भी नहीं आया था मैंने अगेन फिर रिक्वेस्ट किया था और रिक्वेस्ट करने के बाद जैसे देखिए मैंने रिक्वेस्ट किया तो फिर लिख रहा है ए फेस वेरीफिकेशन लिंक हैज मी सेंड टू ई मेल और आप देखिए मेरे ईमेल मेल पर यहाँ पर सो भी कर रहा है कि ईमेल आ चुका है अब मैं सिंपली मैं म ई मेल जाकर चेक करूँगा आपके पास जो ईमेल आएंगे वो इस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के नाम से आएगा आपको स्क्रॉल करते हुए हल्का से नीचे आना और आपको इस पर सिम्पल आपने किस तरीके से देखा है कि पहला स्टेप में सिंपली रजिस्ट्रेशन करना है रजिस्ट्रेशन करने में सिंपली अगर आपके पास पहली बार में अगर ईमेल नहीं आया है तो सिंपली दोबारा फिर से क्लिक है टू आ, मतलब आ, क्लिक है टू सेकंड पे कर दीजिए उसके बाद फिर से दोबारा मतलब ईमेल अगर पहली बार नहीं है तो वो मौका दे रहा है जो आपको मैंने अभी दिखाया तो दोबारा आपके पास ई आ जाएंगे चलिए आप इसको जैसे ही जब द्वारा जब क्लिक कर देंगे ना और उस लिंक पे जब वेरीफाई पे जाएंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा जो मुझे दिख रहा है इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे थ्री लाइन जो ये जो थ्री लाइन का बटन दिख रहा है आपको इस पे सिंपली क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन पर जाना है इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा अब यहाँ पे हमारा कुछ डिटेल मांगा है जैसे कुछ कुछ डिटेल तो ऑलरेडी पहले मैंने डाल रखा है वो बाकी जो है आप अपना फादर नेम मदर नेम वगैरह ये सारे यहाँ पे सारे डिटेल डाल दीजिएगा आ, ये मैंने शॉर्ट में इसी डाला क्योंकि मैं एक सैम्पल वीडियो की तरह बना रहा हूँ बाकी ये मोबाइल नंबर आपसे डालने को कहा जाएगा मैंने ऑलरेडी मोबाइल नंबर डाल रखा है इसके अलावा आपको डेट ऑफ बर्थ जो ऑलरेडी चूज रहेगा यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज़ कर लीजिएगा नेशनलिटी में आप अपना इंडियन चूज़ कर लीजिएगा एंड देन रिलीजन में आपको यहाँ से ये यह सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन इसके बाद फिर हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए यहाँ पे यस अब इसके बाद जो है यहाँ पे प्रोसीड टू रिव्यू पे क्लिक कर देंगे मतलब नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे अब जैसे ही जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से अगेन जो है हमें फिर से मतलब अगेन इसी वाले बटन पे क्लिक करेंगे अगेन और अब इसके बाद क्योंकि मैंने प्रोफाइल पे डाल दिया तो अब हम एड्रेस वाले आइकन आग, पे क्लिक करेंगे हर स्टेप में आप चाहें तो सेपरेटली जाके फिल कर सकते हैं तो अब हम इसके बाद सिंपली एड्रेस वाले बटन पर क्लिक करेंगे हम इस पर जैसे ही जब क्लिक करेंगे देखिए एड्रेस में दो तरीके का एड्रेस मांगना चाह रहा है ठीक है एड्रेस में दो तरीके का एड्रेस मांगना चाह रहा है इसमें एक या तो परमानेंट एक परमानेंट दूसरे दूसरा टेम्प्रोरी है अगर आपका टेम्प्रोरी और परमानेंट दोनों एक है देन एक ही डाली है अगर दोनों अलग अलग है जैसे ऐसा हो सकता है कि भाई देवे आप क्या करें यहाँ पे एड्रेस वाला अगेन मैं को दिखाता हूँ यहाँ पे एड्रेस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही जब क्लिक करेंगे तो एक न्यू आइकन ओपन हो जाएगा इस तरीके से और अब इसके बाद जो है आपको एड्रेस मतलब चेंज करने को कहा जाएगा एड्रेस लिख टैप करने को एड्रेस के लिए कुछ नहीं फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे नहीं यहाँ पे ऐड वाला देखिए ऐड कॉरस्पॉडेंस और परमानेंट आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से सिलेक्ट करने को अब ये सारी चीज़ें हमें डालना होगा हम देखिए कैसे डालते हैं आपको दिखाते हैं बस सिंपली कुछ नहीं करें यहाँ से टाइप में सबसे पहले करस्पॉन्डेंट डालते हैं देखिए दोनों मतलब आपका घर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉडेंट्स एड्रेस अगर सेम है तो सेम डालिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है मतलब नॉर्मली ज़्यादातर लोग का तो सेम होता है हाँ अब जो बच्चे जिनका घर नॉर्मली मतलब घर गांव में हो और वो शहर में रह, रह रहे हो तो वैसा कर सकते लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप दोनों सेम एड्रेस डालिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला होगा ठीक अब इसके बाद जो है यहाँ पे सबसे पहले हाउस नंबर डालेंगे अब देन इसके बाद जो है मैंने ऑलरेडी अभी टाइप कर लिया ताकि टाइम कम लगे अब जैसे देखिए मैंने इसमें सेम डाल दिया स्ट्रीट लैंडमार्क लोकेलिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं लेकिन ये है कि आप चाहे तो मतलब ये कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है मतलब आप स्ट्रीट नंबर या डाल सकते हैं या वैकेंट बैक असल में है ना ये डालना पड़ेगा इसमें किसी भी चीज़ में आना वैकेंट नहीं छोड़ सकते वरना वैकेंट छोड़ने से फिर आगे प्रोसीड नहीं हो पाता है आपका अपना सिटी जिस सिटी में है अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे देन आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे देन आ, आ, ये स्टेट से लिख करेंगे तो जिस भी स्टेट से अगर जो अगर कोई स्टूडेंट्स बिहार से है या यूपी से है तो जो भी जिस भी स्टेट से है वो अपने स्टेट उस हिसाब से चूज़ कर लेंगे यहाँ पे लिस्ट में आया हुआ रहेगा अब इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं अपना एरिया का पिन कोड डालेंगे एंड देन उसके बाद सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे जैसे जब सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके से लिख रहा है क्या एड्रेस अपडेटेड सक्सेसफुली मतलब एड्रेस हमारा अपडेट हो चुका है नेक्स्ट में अगेन जो है अगेन आपको एड करस्पॉन्ड ये एक बार एड्रेस अगेन डालना होगा तभी आप आगे जा पाएंगे अब यहाँ पर जो है अगेन हम परमानेंट एड्रेस डालते हैं परमानेंट एड्रेस पे जैसे जब क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से आप अगेन यहाँ से हमें पूरा डिटेल मांगा जा रहा है फिर से वही जो मतलब पहले डिटेल डाला था वही डिटेल अगेन यहाँ से मांगा जा रहा है तो आप परमानेंट एड्रेस में आधार कार्ड के हिसाब से मैंने अपना परमानेंट एड्रेस में सही उसी हिसाब से सेम डाल दिया क्योंकि हमारा सेम था इसलिए मैंने सेम डाल दिया अब इसके बाद कुछ नहीं कर मतलब जो पहले स्टेप अपनाए थे बड़ा सिंपल मान ली स्टेट सेलेक्ट करना देखिए कंट्री सेलेक्ट करना तो बहुत आसान है स्टेट तो सिंपली आपको टाइप कर देना है अब इसके बाद से वाले बटन देखिए अगर आधार कार्ड के हिसाब से सब डालेंगे ना तो बिल्कुल कोई दिक्कत यहाँ पे से वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है एड्रेस अपडेटेड सक्सेसफुली अब इसके बाद हम कुछ नहीं करें देखिए आप जो एड्रेस डाले ना वो आपको इस तरीके से दिखेगा आप कुछ नहीं करना है यहाँ पे प्रोसीड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। इस पर मैं मैं क्लिक कर देता हूँ इस पर क्लिक करते ही देखिए इस तरीके से आइकन आएगा आपको यहाँ पे ऐड वाले एड्स वाले आइकन पे क्लिक करना है यहाँ पे ऐड वाले सेक्शन पे जैसे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आइकन आ रहा है यहाँ पे हम क्योंकि जो बच्चे एलिवेंथ के लिए देना चाह रहे हैं उनको एसएससी एस सेलेक्ट करना पड़ेगा अब इसको जैसे जब सेलेक्ट करेंगे इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द कोर्स आपका कोर्स का नाम तो मैट्रिकुलेशन हो गया मैट्रिक होगा तो आप यहाँ पे मैट्रिकुलेशन टाइप कर देंगे देखिए मैंने मैट्रिकुलेशन टाइप कर दिया है अब इसके बाद जो है किस साल पास हुए वो आपको बताना है तो जो बच्चे जो है दो में पास हो रहे हैं वो दो टाइप करेंगे दो जो दो में वो दो टाइप करें लेकिन फ़र्क क्या होगा जो बच्चे 2021 में पास हो रहे हैं उनको अपना मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा जो कि यहीं अपलोड करने का एक कना रखा है जैसे मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल दिखाता हूं, मैंने 2021 लिख दिया है ठीक ईयर में 2021 पासिंग ईयर में अब मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि अब देखा जाए उस हिसाब से 2021 के हिसाब से तो फेल हुए नहीं होंगे अवेटेड भी नहीं होंगे पासड होगा तो हम यहाँ पे पास कर देंगे लेकिन जो बच्चे 2022 से बाईस करेंगे उनको सिंपली अवेटेड पर क्लिक कर देना है यहाँ पर पास मैंने क्लिक कर दिया इसके बाद जो है अगेन बोर्ड का नाम किस बोर्ड से है तो बोर्ड का नाम यहाँ पे देख लीजिए अगर सी है जो भी बोर्ड है वो बोर्ड डाल दीजिए वरना अगर कोई बोर्ड आपको नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर ऐसे तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा लिस्ट यहाँ पे है सो अगेन हाँ आप आधार का भी ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे मतलब अगर भाई देवे कुछ बच्चे कह रहे सर बोर्ड नहीं मिला तो आप आधार वाले बटन पे क्लिक करके आप अपना सिंपली यहाँ पे अपना रोल नंबर डालेंगे और उसके बाद आप कितना परसेंट मिला था वो डालेंगे एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पे इफ़ एनी तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा एंड देन यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके जो आपके मार्कशीट है टेंथ का वो आपको यहाँ से फाइल में जाकर अपलोड करना पड़ेगा तो ये तो दिख रहा है लेकिन यहाँ पे ऐसा है जो बंदे 2022 में पास हुए तो उनको कुछ नहीं करना है सिंपली 2022 हज़ार बाईस सेलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पे पास नहीं बल्कि रिजल्ट अवेटेड क्योंकि रिजल्ट अभी उनका आया नहीं है आ, अभी एग्जाम ही देंगे कुछ बच्चे इसके अलावा बोर्ड अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा जैसे कि यहाँ पे जो है हम सेंट्रल बोर्ड या सी बी एस ई को सेलेक्ट कर लेते हैं बाकी ज़्यादातर बोर्ड यहाँ पे अवेलेबल है आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डाल देंगे एंड यहाँ पे अपना परसेंटेज डालने की ज़रूरत है नहीं रोल नंबर अगर है तो डालिए वरना आगे बढ़ जाइए फिर जो है जो बच्चे 2022 से बाईस करेंगे उनको कोई सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है वो सीधा सेव वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो अभी जो है हम 2022 हज़ार सेलेक्ट करके चल रहे हैं और इसके बाद हम सिंपली सेव वाले बटन पे क्लिक कर देंगे इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे देखिए अभी ओपन हुआ अब यहाँ पर लिखा रहा है क्वालिफिकेशन एसटोड सक्सेसफुली मतलब हमने जो क्वालिफिकेशन डाला तो वो हमारा सक्सेसफुली हो चुका है अब हमने क्या क्या डाला वो हमारे यहाँ पर दिख भी रहा है ये सारे डिटेल हम मुझे दिख रहा है अब इसके बाद नेक्स्ट जो है ये प्रोसीड टू अपलोड फ़ोटो मैंने ऑलरेडी मतलब अब आपको कुछ नहीं करना है फ़ोटो पे, पे जाना है सेक्शन पे जाना है जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आइकन आएगा आपको ये अपलोड फ़ोटो का अपलोड सिग्नेचर का और अपलोड थम का यानी तीन चीज़ें आपको अपलोड करने को कहा जा रहा है फ़ोटो सिग्नेचर और ये थम कुछ नहीं करना है आपको सिंपली इस पर अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और अपलोड फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना होगा कहानी थोड़ा सा मगर इन्होंने यही कह रखा है कि बैकग्राउंड जो है आपका फोटो वाइट होना चाहिए आप इस पर टिक कर देंगे टिक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से चूज़ फाइल पे चले जाना है चूज़ फाइल पे जाएंगे क्योंकि आप क्या करिए बेहतर होगा कि फ़ोटो या डॉक्यूमेंट से सारा अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट स्कैनर डॉक स्कैनर करके एक ऐप आता है उसको यूज़ कर लीजिए उसको यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा आपका कि उसमें अच्छे से बताया गया है मतलब उसमें जो है आराम से साइज भी आ जा रहा है और दिक्कत भी नहीं हो रहा है तो हम यहाँ से फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने यहाँ से देखिए फोटो सेलेक्ट किया अभी देखिए सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे देखिए सबमिट वाले बटन पर क्लिक किया तो ये कह रहा है फाइल अपलोड सक्सेसफुली तो मैटर यहाँ पे साइज का भी करेगा अभी जब इस तरीके से हो गया तो सेम चीज़ें अगला अपलोड टू आप सिग्नेचर पे क्लिक कर देंगे और सिग्नेचर पे क्लिक करके अगेन हम यहाँ पे आप सिग्नेचर अपलोड कर देंगे यहाँ पे यस यहाँ पे पहले टिक करिएगा देन यहाँ पे ये फाइल पे चूज़ फाइल पे जाएंगे और चूज फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे अगेन जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा सिग्नेचर कहाँ पे है जी मेरा यहाँ पे ये सिग्नेचर है अब यहाँ पे, पे अगेन जो है सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे देखिए सबमिट वाले बटन पे जैसे जब क्लिक करेंगे तो देखिए अभी ये प्रोसीड कर रहा है जी देखिए हमारा ये भी आ, मतलब आ, हमारा जो फ़ोटो सॉरी सिग्नेचर भी अपलोड हो गया अब अगला स्टेप में क्या कह रहा है नेक्स्ट में प्रोसीड टू थम हम इंप्रेशन तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो अगेन जो है यहाँ पे फिर से वही सेम चीज़ें मुझे अपनाने को कहा जा रहा है तो यहाँ पे मुझे थम अगर भाई जी भी आपको लगता है कि हमसे हो गया या नहीं हो पाया तो आप क्या करें यहाँ पे थ्री जो लाइन जो दिख रहा है इस पर सिंपली क्लिक करिए और डायरेक्ट आप फोटो वाले सेक्शन में चले जाइए और फोटो वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपको कौन कौन अपलोड जैसे मैंने ये सारा अपलोड किया है बाकी थम ने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अगर आप चाहें तो अगेन फिर से मतलब अगेन डायरेक्ट इस पर जाके आप अपना ये मान लीजिए जो चीज़ अपलोड नहीं हुआ डायरेक्ट इसी वाले सेक्शन पर इस सेक्शन पर जाकर अपलोड कर सकते हैं तो ये जब अपलोड कर लेंगे उसके बाद कहा जाएगा प्रोसीड टू कैटेगरी आप इस पर प्रोसीड टू कैटेगरी पर क्लिक कर देंगे अब मैं इस पर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ इस पर क्लिक कर लेकिन के बाद इस तरीके का कहने का इसमें समझने वाली बात यह कि आपका जो भी कैटेगरी है जैसे डिस्टेंस एस सी एस टी ओ बी सी है तो देन आपको अपलोड करना पड़ेगा उसका सर्टिफिकेट भी अब जैसे मान ली कोई स्टूडेंट बी सी का या बी uh, सी हो गया एस सी हो गया एस टी हो गया तो हम यहाँ पर सिंपली चलिए बी सी मान के चलते हैं तो बी सी पे सेलेक्ट क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपको कह रहे हैं क्या डू यू बिलोंग टू एनी बैकवर्ड क्लास देन आपको यहाँ पे पहले यस yes करना पड़ेगा देन इसके बाद नेम ऑफ द कास्ट इन मतलब बैकवर्ड में भी अपना नाम बताना है कि किस बैकवर्ड क्लास से है वो आपको बताना है यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे तो आपको यहाँ से इस वाले सेक्शन से फाइल सेलेक्ट करना है मतलब जहाँ भी आप इससे फाइल मतलब जो आपका पी है कास्ट सर्टिफिकेट का याद रखें यहाँ पर पी में चाहिए होगा जे में नहीं तो पी में जो भी है आपको उसको अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पर हम अपने हिसाब से एक पी अपलोड कर देते हैं और यहाँ पर कुछ नहीं सेव कैटेगरी पर क्लिक करना होगा इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए अपलोड होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे पहले मैंने डाला नहीं इसलिए तो इस तरीके से यहाँ पे कर पाएंगे मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे और अगर किसी स्टूडेंट्स का ऐसा कुछ नहीं है तो वो फिर सिंपली इस वाले सेक्शन में छोड़ देंगे इसको मतलब जो कैटेगरी है इस वाले सेक्शन में छोड़ देंगे अगर इसका नहीं है तो वो डायरेक्ट प्रोसीड टू अप्लाई पे चले जाएंगे और प्रोसीड टू अपलाई पे क्लिक करके यहाँ इस तरीके से साई करेगा यहाँ पे जो है अब जो बच्चे स्कूल के सॉरी एलिवेंथ में अप्लाई करना चाहते हैं चाहे वो साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स इवन डिप्लोमा तो यहाँ से उनके सारी चीज़ें क्लियर होते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है सेलेक्ट फॉर्म टाइप पर क्लिक करना है यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप एन आर आई से है तो जो उससे सेलेक्ट कर लीजिएगा इसके अलावा यहाँ पर दिख रहा ऑलरेडी स्कूल कोर्स और डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपको इस पर सिंपली क्लिक करते रहें अगेन इस पर यहाँ पे अगेन इस पर सिंपली क्लिक करेंगे सेलेक्ट फॉर्म पे मतलब उसमें भी किस में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किसका आ रहा है यहाँ पे एलेवेंथ साइंस एंड डिप्लोमा ह्यूमानिटीज़ तो जो बच्चे ह्यूमिनिटीज़ में अप्लाई करना है वो ह्यूमिनटी सेलेक्ट करेंगे मैं आपको एक सैंपल दोनों दिखाऊंगा और यहाँ पे इलेवन साइंस पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करते हैं इस पर जैसे अब क्लिक करेंगे तो जो 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 आर्ट्स एंड ह्यूमिनिटीज़ वाला सिंपली वो आर्ट्स एंड ह्यूमिनिटीज़ी सेलेक्ट कर लेंगे अब इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से दिख गया है अब इसको बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको जेंडर चूज करना होगा हम यहाँ पे जेंडर चूज करते हैं अगर मेल है तो मेल अदरवाइज फीमेल है तो देन फीमेल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे देखिए मेट्रिकुलशन लिखा हुआ आ रहा है ऑलरेडी अब इसका मतलब क्यों आ रहा है क्योंकि हमारा जो एलेवेंथ में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैट्रिक का है इसीलिए मैट्रिकुलेशन लिखा हुआ आ रहा है नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे तो आपको किसके लिए अप्लाई करना है दोनों के लिए या किसी एक के लिए तो दोनों में कोई एक सेलेक्ट कर लिया आपके चॉइस होंगे यहाँ पे अपने हिसाब से चॉइस रखेगा पेपर आपको किस लैंग्वेज में चाहिए हिंदी उर्दू इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में चाहिए वहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट सेलेक्कर यहाँ पर हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं देन इसके बाद जो है यहाँ पे डू यू वॉन्ट टू स्पॉन्सर्ड नो यहाँ पे नो no? स्पॉन्सर्ड में होता यह कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है नॉट अपलीकेल पर क्लिक करते हैं देन अगर हम बात करें यहाँ पे तो हैवर विन स्टूडेंट्स यानी कि आप एम यू भी स्टूडेंट्स हैं अगर जो बच्चे होंगे वो यस पे क्लिक करेंगे अगर यस पे क्लिक करेंगे तो उनको यहाँ पे अपना इनरॉलमेंट नंबर देना पड़ेगा आर यू करेंटली रेजिडेंट इन अगर आप एम यू में करेंटली अभी हैं तो देन यस अदरवाइज नो कर देंगे देन आपको हॉल हॉल ऑफ रेजिडेंस यहाँ पे बताना होगा किस हॉल में है एंड अगेन उसको बाद फिर इंटरनल एक्सटर्नल आपको बताना होगा अगर आप ऑब्वियसली एमयू यू का स्टूडेंट तो इंटरनल हो जाएंगे एंड देन उसके बाद आपको टेस्ट सेंटर चूज करना पड़ेगा इस हिसाब से यहाँ पे अपने लोक, लोकेशन के हिसाब से या करंट एरिया के हिसाब से चूज़ करेंगे लेकिन जो बच्चे अगर नहीं होंगे तो वो यहाँ पर नो क्लिक करेंगे और जैसे ही जब नो क्लिक करेंगे तो उनको डायरेक्ट ये टेस्ट सेंटर चूज करने का ही कहेगा जैसे मेरे पास अब आ गया देखिए यहाँ पर डायरेक्ट तो ये फ़र्क है इंटरनल और एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के साथ अब इसके बाद कुछ नहीं करना है यहाँ पे ये जो है ना प्लीस्टिक स्पेटिक वाले बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे देखिए सेम है मतलब ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज क्लिक करके आगे बढ़ेंगे इस तरीके से यहाँ पे जैसे जब इस तरीके से करेंगे तो आपको यहाँ पे मे का पेमेंट का ही कहना है का। आपको इस पर क्योंकि अभी भी देख सकते हैं मैंने इससे पहले ही एक सैम्पल के तौर पे दिखाया था लेकिन अब जो है यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहा है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेलेस पॉलिटेक्निक जनरल था हम आप क्योंकि जो बच्चे इलेवन क्लिक करेंगे तो आपने नोटिस करेगा कि इस कोर्स में अप्लाई किए हम इस पर आप सिंपली क्लिक करते हैं आपके मोबाइल में भी ऐसा दिखेगा आप इस पर नोट ध्यान मत दीजिएगा आप इस पर ध्यान दीजिए ठीक है आप इसको मे का पेमेंट पर क्लिक कर देंगे इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे देखिए मैंने मे का पेमेंट पर क्लिक किया है अभी ओपन हो रहा है जी अब यहाँ से कुछ नहीं करना है समझिए यहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले आपको डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले आप इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको कौन सा कार्ड है रुपये कार्ड है आपके कार्ड पे लिखा होता है देन आपके पास अगर रुपये कार्ड है तो रुपये कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट करिए एंड देन उसके बाद पे ऑफ वाले बटन पर क्लिक करिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेमेंट में जाकर फंस जा रहा है अब इस तरीके से देखिए इनका जो पेमेंट है वो सेवन हंड्रेड है अब इस इसको बाद कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक करना है कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपको अपना कार्ड का नंबर एटीएम कार्ड जो उसका नंबर आपका एक्सपायरी डेट और उसके बैक साइड में सी नंबर एंड देन पे वाले बटन पर क्लिक करके पेमेंट कर देंगे यहाँ पे अगर आप खुद से फिल कर पाते हैं देन फिल कर दीजिए आप चाहे तो हमारा हेल्प ले सकते हैं मतलब ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कोशिश करूँ व्हाट्सअप नंबर दे दूँ जो बच्चे नहीं फिल कर पाते हैं उनको हेल्प किया जा सकता है ये सारी चीज़ें अब इसका सिंपली यही है अब यहाँ से पेमेंट कर देने के बाद आपको कुछ नहीं करना होगा दो चीज़ें यहाँ पे मिलेगा एक तो ये कि जब आप पेमेंट कर देंगे तो उसका पेमेंट का स्लीप कितना पेमेंट कटा वो और दूसरा फिर आपको एक फाइनल पेज मिलेगा कि आपने किस कोर्स में अप्लाई किया है वो मिल जाएगा उसको पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है मतलब यहाँ पे अभी बैक टू बैक मैं यहाँ पे कैंसिल करके बैक आता हूँ यहाँ पर सो so, उन दोनों पेजेस को या प्रिंट को अपने पास में रख लीजिएगा बाकी अभी घबराए नहीं कोई स्टूडेंट पहले फॉर्म अप्लाई कर दे फिर कैसे प्रिंट करना है उस पर वीडियो हम बना देंगे ताकि आपको कोई इशूज़ ना हो फिलहाल के इतना ही जरूरी है पेमेंट कर देंगे मेका पेमेंट का आइकन रहेगा मेका पेमेंट्स आइकन कर देंगे तो उसके बाद आपको पेमेंट सक्सेसफुल का ही आइकन दिख जाएगा आपके आई डी पे बाकी है कि आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर करिए थैंक यू